Tu sais le vrai. श्रीवर गुरुवर ईष्टवर दो है सावर दान राधावर की कथा का घर घर गूंजे गान गणपति की कर वंदना गुरुजन का कर ध्यान करती हूँ गोविंद के विमल चरित्र का गान हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ते प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वैसे तो आप सब गीता के महत्व को बहुत अच्छे से जानते हैं, किंतु आज मैं आपको अपनी कविता के द्वारा गीता जयंती के इस पावन अवसर पर गीता के ज्ञान के बारे में बताने जा रही हूँ कि ज्ञान है अतुल्य मुझ में भागवत का सार हूँ। ज्ञान है अतुल्य मुझ में भागवत का सार हूँ। 18 अध्यायों में सिमटा हुआ कृष्ण का दिव्य ज्ञान हूँ। 18 अध्यायों में सिमटा हुआ कृष्ण का दिव्य ज्ञान हूँ। पढ़े होंगे शास्त्र तुमने कही परंतु उनका मूल आधार हूँ। कृष्ण की वाणी कहते हैं सब गीता का मैं ज्ञान हूँ। कृष्ण की वाणी कहते हैं सब गीता का मैं ज्ञान हूँ। जो जान ना हो जीवन का लक्ष्य, जो जान ना हो जीवन का लक्ष्य, तो उसका मैं जवाब हूँ। समझ के देखो मुझे जो तनिक अनसुलझे प्रश्नों का हिसाब हूँ। समझ के देखो मुझे तो तनिक अनसुलझे प्रश्नों का हिसाब हूँ। आत्मा की बात करता हूँ न मोह का डर हूँ। कृष्ण की वाणी कहते हैं सब गीता का मैं ज्ञान हूँ। कृष्ण की वाणी कहते हैं सब गीता का मैं ज्ञान हूँ। युग बीते कहीं परंतु पर्वत भांति आज भी खड़ा हूँ। युग बीते कहीं परंतु पर्वत भांति आज भी खड़ा हूँ। कोई मिथ्या साबित ना कर पाया ऐसा दिव्य चमत्कार हूँ। कोई मिथ्या साबित ना कर पाया ऐसा दिव्य चमत्कार हूँ। जो थककर आओगे मेरे पास तुम्हारी ऊर्जा का प्रमाण हूँ। किसी विशेष लोगों की तो बात ही नहीं की फिर क्यों धर्म निरपेक्षता का शिकार हूँ। किसी विशेष लोगों की तो बात ही नहीं की फिर क्यों धर्म निरपेक्षता का शिकार हूँ। कई लोगों का भ्रम तोड़ा है मैंने जीवन का अर्थ समझाया है। अर्जुन की प्रत्यंचा को फिर से चढ़ाने का कार्य कराया है। अर्जुन की प्रत्यंचा को फिर से चढ़ाने का कार्य कराया है। मूल्य ना लगाना तुम, मूल्य ना लगाना तुम, ज्ञान यह अतुल्य है। व्यापक हूँ पर्याप्त हूँ, व्यापक हूँ पर्याप्त हूँ, भक्तों का विश्वास हूँ। कृष्ण से मिलने का मैं मार्ग साक्षात हूँ। कृष्ण से मिलने का मैं मार्ग साक्षात हूँ। विज्ञान की बात करते हैं लोग, विज्ञान मुझी में समाया है। विज्ञान की बात करते हैं लोग, विज्ञान मुझी में समाया है। ऐसी कोई वार्ता नहीं कि मैंने विज्ञान ने जिसे नकारा है। ऐसी कोई वार्ता नहीं कि मैंने विज्ञान ने जिसे नकारा है। धार्मिक पुस्तक कहकर कुछ लोग मेरा ज्ञान छिपाते हैं। धार्मिक पुस्तक कहकर कुछ लोग मेरा ज्ञान छिपाते हैं। अरे आत्मा का कोई धर्म नहीं होता ये बात वे क्यों नहीं समझ पाते हैं। अरे आत्मा का कोई धर्म नहीं होता ये बात वे क्यों नहीं समझ पाते हैं। कई लोगों के घर पर केवल एक पुस्तक बनकर पड़ा हुआ तो पन्ने पन्ने तक का समय नहीं और जीवन कष्टों से भरा हुआ। तो पन्ने पन्ने तक का समय नहीं और जीवन कष्टों से भरा हुआ। एक बात स्मरण रखना मेरी, कलयुग में कष्ट अपार है। बिना मेरे नहीं कर पाओगे पार, वर्षों का अनुभव साकार है। बिना मेरे नहीं कर पाओगे पार, वर्षों का अनुभव साकार है। अंत में यही कहना चाहूंगी, अंत में यही कहना चाहूंगी, कुरुक्षेत्र के उस युद्ध का प्रमाण हूँ। कृष्ण की वाणी कहते हैं सब गीता का मैं ज्ञान हूँ। कृष्ण की वाणी कहते हैं सब गीता का मैं ज्ञान हूँ। धन्यवाद। जय गोविंद। मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्याधिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं।
सर्वलोकैकनाथम। क्या विशेष है इस गीता में? गीता में यदि कुछ विशेष है तो वह है श्री कृष्ण। बाकी हम सब तो निमित्त हैं, साधन हैं, लेकिन यह हमारा एक खास प्रयास होगा कि आज हम गीता के माध्यम से अपने आप को विरूप बदले और नए नए विचारों को अपनाएं। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेद और उपनिषदों का सार है। तो पहला अध्याय है अर्जुन विच्छाद योग, जिसमें धृतराष्ट्र पूछते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, क्योंकि वे दृष्टिहीन हैं, तो वह संजय से पूछते हैं कि युद्ध में क्या चल रहा है। तो पहले अध्याय एक श्लोक एक से शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र युवा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुरुवत् संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित मेरे अथवा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवाणीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। अर्थात उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। तो लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप और इस वक्त गीता जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अर्थात हे आचार्य, आपके सभी बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र और दृष्टद्युम्न के द्वारा व्यवहारे खड़ी की हुई इन पांडव पुत्रों की सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुक्तानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अर्थात इस युद्ध में बड़े बड़े धनुषों वाले शूरवीर हैं, जैसे कि सातकियों और विराट। तो गीता जयंती पर इस प्रयास के तहत सभी बच्चे गीता के सभी 18 अध्यायों के सभी श्लोकों का उच्चारण अर्थ सहित करेंगे। सौभद्रे द्रौपदे सर्व ए महान। अर्थात इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान महान योद्धा और महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टया तानि बोधद्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। अर्थात अर्जुन कह रहे हैं कि आप अपनी सेना में जो भी प्रधान है उनको समझ लीजिए, आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति है मैं उनको बतलाता हूँ। अयनीषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात दुर्योधन अपने साथियों से ये चाहते थे कि वे सभी निसंदेह अपने अपने स्थान पर खड़े होते हुए निसंदेह भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। तस्य संजननय हर्षम कुरूर वृद्ध पितामह सिंहनाद विंघोचया शंख धम्मो प्रतावरण। अर्थात कौरवों में बड़े प्रतापी वृद्ध पितामह ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह के दहाड़ समान। तमाम बच्चे यहाँ पर प्रत्येक श्लोक का उच्चारण अर्थ सहित करेंगे ताकि गीता जयंती के अवसर पर का यह स्वर बड़ा भयंकर था।
पंजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धयायनं पौंड्रं धर्मो भीमकर्मा